28 जुलाई 2022 से देवगुरु बृहस्पति 23 नवंबर तक वक्री रहेंगे अपनी ही राशि मीन राशि में। हम लोगों के लिए ये बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आ रहे हैं, आज इसी की मैं चर्चा करूंगी। नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंक शास्त्री और ऑरा रीडर। जब भी हम बात करते हैं परिवर्तनों की गोचर में, तो हमें ये देखना होता है कि गुरु और शनि की हम परिवर्तन को देखते हैं कि ये मार्गी हो रहे हैं, वक्री हो रहे हैं और ये कब राशि बदल रहे हैं। साथ में हम राहु केतु भी लेते हैं। अब जब शनि पहले से ही वक्री हैं, राहु केतु तो वक्री रहते ही हैं, अब गुरु भी हो गए हैं, तो बहुत सारे इफेक्ट एकदम से ही हमें मिलने वाले हैं। पहले हम समझेंगे कि देव गुरु बृहस्पति हमें कौन कौन सी बातें बताते हैं। हमारे ज्ञान से जुड़े हुए हैं, हमारी उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं, जो भी चीज़ें हम सीखते हैं अपने बड़ों से, गुरुओं से, उनसे जुड़े हुए हैं। जो भी प्रोफेशंस नॉलेज से जुड़े हुए हैं, टीचिंग से जुड़े हुए हैं, पंडिताई है, मंदिरों के काम है, वो सब गुरु से जुड़े हुए हैं। देव गुरु बृहस्पति को दो राशि मिली हुई है हमारी कुंडली की, एक तो धनु राशि, एक मीन राशि। एक नवम भाव की राशि है जो कि भाग्य की राशि है, हमारे भाग्य से जुड़ी है, हमारे पुण्य से जुड़ी है, जिसमें आते हैं हमारे कर्मकांड जो कि हम करते हैं, अपने पूजा पाठ वगैरह। एक है बारहवीं राशि मीन राशि, जो किससे जुड़ी हुई है, हमारे व्यय से, हमारे दान पुण्यों से जुड़ी हुई है, हमारी साधना से जुड़ी हुई है। अब जो ये गुरु वक्री हुए हैं, वो अपनी ही राशि मीन राशि में वक्री हुए हैं, दान पुण्य और साधना की राशि में वक्री हुए हैं। अभी अलग ही हमें इफेक्ट देने वाले हैं, ये हमें अलग तरीके से चीज़ों को समझाएंगे। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है, पहले तो वो अपनी चीज़ें निपटाने के लिए जाता है। आगे तो बढ़ गया था ग्रह, लेकिन बहुत सारी चीज़ें पीछे अधूरी रह गई थी, निपटाई नहीं थी, वो अब चीज़ें पूरी करने के लिए ग्रह वापस जाता है। वापस जैसे हम कोई चीज़ घर पे भूल जाएं, जैसे हमें याद आ रही है तो हमने किया ही नहीं, जैसे हम घर से निकल जाएं गैस बंद ना की हो फिर हम भागे फटाफट, नहीं, पहले हम गैस बंद करेंगे फिर हम बाकी के काम करेंगे। घर में हम कोई चीज़ ले जाना भूल जाएं, मोबाइल भूल जाएं, फिर भी हम वापस जाते हैं, वैसे कोई भी ग्रह वक्री जाता है और अपनी चीज़ों को वापस करता है। और कोई भी ग्रह जब भी वक्री होता है, वो अलग तरीके से इफेक्ट देता है। अब देव गुरु का काम क्या है, हमें सिखाना, समझाना, बताना, लेकिन जब हम सीख ही नहीं रहे, हम उन चीज़ों को समझ ही नहीं रहे, अब गुरु अपनी उंगली को टेढ़ी कर लेंगे, उंगली को टेढ़ी करके घी निकालेंगे, मतलब अब हमें अलग तरीके से समझाएंगे। अब हमें हमारा टीचर डांटता जा रहा है, हम नहीं समझ रहे, फिर बाद में क्या करता है टीचर, कहता है मैं पिटाई करूँगा। अब वो पिटाई वाले मूड में आ गए देव गुरु बृहस्पति, अब वो हमें डांट के बहुत ज़्यादा समझाने वाले और ड्रास्टिक चेंज आने वाले हैं, क्योंकि गोचर में शनि वैसे ही वक्री थे। वक्री ग्रह बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और एकदम से चेंज देते हैं। क्यों स्ट्रांग होते हैं वो भी हम समझते हैं, जैसे हमारा एक ऑरा होता ना, हमारी एक एनर्जी फील्ड, वैसे ही सूर्य की भी है। सूर्य की एनर्जी फील्ड से जब कोई भी ग्रह दूर चला जाता है, उसके उस प्रभाव से, उस आभा मंडल से दूर चला जाता है, तो वह ग्रह अपने आप अपने हिसाब से रिजल्ट देने लग जाता है। सूर्य क्या है, नियम कानून, शासन, सरकार, और देवगुरु क्या है, उसमें ज्ञान देने वाले। लेकिन जब वो उस नियम कानून उन चीज़ों से परे चले गए, अब वो अपने हिसाब से नियम कानून बनाएंगे, क्योंकि लोग उस तरीके से उन चीज़ों को समझ ही नहीं रहे, उस तरीके से उन चीज़ों को वो ले ही नहीं रहे जैसे उन्हें लेनी चाहिए। नियम के अंदर, कानून के अंदर वो चीज़ों को समझ ही नहीं रहे। अब उनको समझाना गुरु को ज़रूरी है, क्योंकि हर एक के अपने अपने टारगेट्स होते हैं। अब देव गुरु के टारगेट्स पूरे नहीं हुए, तो अब वो वक्री होके उस सूर्य के जो नियम कानून हैं उसके आभा मंडल से बाहर आके अपने हिसाब से नियम कानून बना के अपनी फुल एनर्जी में होके, क्योंकि सूर्य के आभा मंडल से बिल्कुल दूर हो गए, उसकी एनर्जी उनके अंदर इफेक्ट नहीं कर रही, अब अपनी एनर्जीज में आके नई चीज़ों को हमें अलग तरीके से सिखाने वाले हैं, और बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस हम सबकी लाइफ में आने वाले हैं। खासकर जो लोग गुरु से जुड़े हुए प्रोफेशन में हैं, कोई टीचर्स हैं, पंडिताई का काम करते हैं, मंदिर में पुरोहित हैं, या फिर घर में उस तरीके का काम करते हैं कि उनका काम है सबको समझाना बताना, उनकी लाइफ में मेजर चेंजेस आने वाले हैं जो उस पोजीशन में हैं।
क्योंकि जब हम किसी ग्रह से जुड़े हुए काम करते हैं तो उसका इफेक्ट, जब गोचर में कोई भी ग्रह अपना बदलता है, राशि बदलता है, वक्री होता है, मार्गी होता है, उसका इफेक्ट हम पे उसी तरीके से आने लग जाता है। अब हम ये ना सोचें कि देव गुरु बहुत सारे चेंजेस कर रहे हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा, हमें अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हम परिवर्तन को एकदम से लेने को ही नहीं तैयार होते, हमें परिवर्तनों से डर लगने लग जाता है, हमें लगता है एकदम से क्या हो गया, हम उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। इतनी जल्दी जल्दी और ऐसे परिवर्तन होने वाले हैं कि हम खुद उन चीज़ों को स्वीकार कर ही नहीं पाएंगे, चाहे वो चीज़ें हमारे फेवर में हो रही हो, हमें समझ नहीं आएगा कि हो क्या गया, क्योंकि अब गुरु ने हमें सीधे तरीके से नहीं टेढ़े तरीके से सिखाना है। अब वो अपने ही तरीके से जब हमें सिखाएंगे तो हमें चीज़ें समझ आए या ना आए, गुरु अपना इफेक्ट कर देंगे और ये परिवर्तन हम सबकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट लेकर के आएगा। जब गुरु मार्गी होंगे फिर वो अपने नॉर्मल चाल में चलेंगे, फिर वो अपने नॉर्मल स्वभाव में चलेंगे, धीरे धीरे वापस हमें उसी पैटर्न से समझाने लगेंगे। अभी जैसे कोई बच्चा फेल हो जाता है तो उसे दोबारा एग्ज़ाम देना होता है और टीचर उस पर कैसे एक अलग ही प्रेशर बना देता है, उसकी क्लासेस का प्रेशर, उसकी पढ़ाई का, बस वही प्रेशर अब गुरु हमारे ऊपर बना के हमसे बहुत सारे काम कराने वाले हैं। आप बताइए कि आपके जीवन में क्या क्या चेंजेस इस पीरियड में हुई और आपको कैसा लगा। बहुत सारी बातें मैं ऐसे ही आपके लिए लेकर के आती रहती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए साथ में, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिले जो भी मेरी नई वीडियो। हर हर महादेव।